हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सार्क के बारे में, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो सार्क कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, ठीक है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये आपको मालूम होनी चाहिए डेट, ठीक है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, टू बी मोर स्पेसिफिक 8 दिसंबर 1985 को इसका फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है। अब कौन कौन सी कंट्रीज थी जरा ये देख लेते हैं, उस जब फॉर्म हुआ था। तो सबसे पहले अल्फाबेट वाइज चलेंगे, ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। ये तो फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये टोटल हैं 7 कंट्रीज। अब 2007 में आके अफगानिस्तान भी इसमें ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। अफगानिस्तान में एक पोर्शन है जिसका नाम है बामियान, ये बामियान इसकी कल्चरल कैपिटल है। किसकी? इसकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की कल्चरल कैपिटल है, ठीक है। तो हियर वी हैव टोटल 8 कंट्रीज। पहले की 7 कंट्रीज तो इसकी इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स थी, जो कि इस दिन ही यहां से इसका पार्ट बन गई थी, ठीक है। फिर एक बात मैं आपको बताऊं कि सॉरी 1985 में फॉर्म हुई थी, 1987 में 1987 में इसका सेक्रेटरिएट यानी कि इसका सचिवालय का गठन किया गया, ठीक है। और इसका सचिवालय का गठन कहाँ किया गया? काठमांडू में, ठीक है। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स नेपाल। अब देखो इस सेक्रेटरिएट में होता क्या है कि इसको हेड किया जाता है सेक्रेटरी जनरल द्वारा, सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करता है सेक्रेटरिएट को, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होते हैं, इस सेक्रेटरिएट में जो मेंबर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको बोला जाता है, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है, फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। उसके बाद अल्फाबेटिकल वाइज, जैसे ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, अल्फाबेटिकल वाइज चलता है, ठीक है। हर 2 साल में जो है ये दोबारा से अपॉइंट हो जाता है, कौन? सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जिस भी कंट्री के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से एक सेक्रेटरी जनरल इस सेक्रेटरिएट के लिए चुना जाता है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो 1989 में हुई थी, ठीक है। फिर 2 साल बाद यानी कि 1991 में, 1993 में, 1995 में, ऐसे करके इनकी मीटिंग होती है हर दो दो साल में, और वहीं पर ये डिसाइड होता है कि इसका सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा, ठीक है। और बेसिकली सेक्रेटरी जनरल उस कंट्री में से होता है, अल्फाबेटिक वाइज होता है। जैसे इंडिया की बारी आ गई, इंडिया के बाद नेपाल, मालदीव्स हो गया, मालदीव्स के बाद नेपाल आएगा, नेपाल के बाद पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान से
इसका सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होगा, ऐसे करके होता है। इतना अगर आपने जान लिया है तो अब आप ये जान लीजिए कि जो अफगानिस्तान है, जो कि मैंने बताया कि बामियान जहाँ पर कल्चरल कैपिटल था, ठीक है, तो ये अफगानिस्तान इसका मेंबर कब बना था, ये तो इनिशियल मेंबर्स थे, ठीक है। इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है, और अफगानिस्तान जो है ये इंक्लूड हुआ था इसमें कब, ये इंक्लूड हुआ था 2007 पे, ठीक है, जब इसका 14 समिट हुआ था 2007 में, 14 समिट तब ये इंक्लूड हुआ था इसमें, अफगानिस्तान बिकेम इट्स 8th मेंबर, इसका 8वां सदस्य बना था, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बतानी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी, और बाकी मैंने आपको सब बता ही दिया है। कल्चरल कैपिटल मैंने आपको बताई कि बामियान में है, ठीक है, और 2007 में ही अफगानिस्तान जब यहाँ पर मेंबर बना तो 2007 के अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि सार्क यूनिवर्सिटी ये एस्टैब्लिश की गई थी, कब, सेम इन 2007, कहाँ ये की गई थी, इंडिया में, इंडिया में भी कहाँ, न्यू दिल्ली में, ठीक है, कब की गई थी, 2007 में। तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, साथ पे ही इसके टोटल 9 ऑब्जर्वर्स हैं जो कि मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये इसका कोई मेंबर बनने की कोशिश करे, ठीक है। तो ये कौन से 9 ऑब्जर्वर्स हैं, एक यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, ईरान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, साथ में मॉरिशियस और म्यांमार, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये 9 मेंबर्स हैं जो कि इसके ऑब्जर्वर हैं, जो कि हो सकता है इन फ्यूचर इसका मेंबर बन जाए, बट अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये 9 मेंबर्स आपको ध्यान पे रखना है। सो मेरा कहने का मतलब है ये सिर्फ इसके ऑब्जर्वर्स हैं, यानी कि ये इसके फुल मेंबर्स नहीं है, ये इसके फुल मेंबर्स नहीं है, दे आर नॉट फुल मेंबर्स। साथ ही आपको बता दूं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा। इसका ऑब्जेक्टिव था पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका ये था कि टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं उनका वेलफेयर, ताकि हो सके उनका भला हो सके, ठीक है, हर तरीके से, हर प्रोसेस से, इकोनॉमिकली, सोशली, ठीक है, कल्चरली, ये सब डेवलप हो सके, ठीक है, एसलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि डिसीजन यहाँ पे जो भी लिए जाते हैं वो सारे के सारे सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी कि डिसीजंस आर टेकन ऑन बेस्ड ऑफ अनैनिमिटी, यानी कि सबसे पूछ पूछ के, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं 8 कंट्रीज, 8ों के 8 से पूछ के इसका जो भी डिसीजंस वगैरह है वो लिया जाता है, ठीक है। अब इसके लिए एक जो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के लिए एक डेवलपमेंट फंड बना गया था, डेवलपमेंट फंड, कब,
ये बनाया गया था 2005 में, और ये डेवलपमेंट फंड काहे के लिए बनाया गया था, सोशल, ताकि सोशली डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो सके। ठीक है, सार्क सैटेलाइट भी यहां पर लॉन्च हुई थी, सार्क सैटेलाइट। और ये लॉन्च कहां हुई थी, कब हुई थी, 2017 में। और किसके द्वारा ये सार्क सैटेलाइट जो है ये बिल्ड की गई थी, ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा ये सैटेलाइट जो है बिल्ड की गई थी। और इसका जो सारा का सारा खर्चा उठाया था वो इंडिया ने, यानी कि दिस वॉज फंडेड एंटायरली बाय इंडिया। सब तो हो गया, बस एक पॉइंट छूट गया है कि सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल सेटअप हुआ था। कुछ भी मतभेद होता है अगर मेंबर कंट्रीज के बीच में, तो उसके लिए एक आर्बिट्रेशन काउंसिल सेटअप की जाए। ठीक है, और ये कब की गई थी, ये की गई थी 2007 पे, मध्यस्तर। ठीक है, ताकि आर्बिट्रेशन हो सके और जल्दी से इसका जो भी डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो जाए, और सर्वसहमति अनएनिमिटी से इसका डिसीजन निकले। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ये था पूरा सार्क के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसका ऑब्जेक्टिव हमने देखा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं और ये सब आपको याद करनी है, आपको समझनी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो अगर आया है तो लाइक कर देना, और आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।